हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने गुरु ऐप की तरफ। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से सर्च बार में गुरु ऐप सर्च करना है। गुरु ऐप सर्च करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के लिए आपसे दो तीन चीज़ें मांगेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, और जो आपके बैंक पासबुक से रिलेटेड मोबाइल नंबर है वो सारी चीज़ें आपको अपने रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको ग्रोप लॉगिन करना है, उसके बाद आपको ग्रोप ओपन करना है। जो आप ग्रोप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बार मिल जाता है। सर्च बार में आपको जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक का नाम पता है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपका फेवरेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट, जो आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे करके उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके वॉच कर सकते हैं। और ये कार्ट है, एडे कार्ट, इसमें भी आप किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जो आपका पेंडिंग रहेगा यहाँ पे शो करेगा। अब ये पॉपुलर फंड्स कुछ है जो हाई रिटर्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये तीन चार फंड आप पॉपुलर फंड है जो हाई रिटर्न देते हैं। कि आप लोगों को ग्रोथ की तरफ से रिकमेंड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कलेक्शन, ये हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो आपको बेस्ट लगे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है टैक्स सेविंग का ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं टैक्स सेविंग। अगर आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 3 लाख 4 लाख जिस पे टैक्स देना पड़ता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ परसेंट टैक्स सेव कर सकते हैं। तो बाकी देख लीजिएगा इसमें ELSS और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आदित्य बिरला का 4.4 स्टार मिला है, काफ़ी बढ़िया है। इसका NAV 32.47 है अपने हिसाब से। सिप इसका है, मंथली सिप मिनिमम 500 आप जमा कर सकते हैं पर मंथ, और वन टाइम के लिए आपको 500 ही है। बाकी वन मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं 6.1 है, वन ईयर में माइनस है, 5 ईयर्स में 7.86 है। 4 स्टार की रेटिंग है, काफ़ी बढ़िया माना जाता है, वो आप देख सकते हैं। ये बेटर डैन FD है, आपको FD जो आप बैंक में FD करते हैं उससे कुछ ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है सारी चीज़ें। और ये टॉप कंपनीज़ है, ये म्यूचुअल फंड रिकमेंड करता है आपके हिसाब से, जिसमें हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी हाई होता है। तो ये आप देख सकते हैं SIP विथ 500, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं 10,000 20,000, या आप मंथली दर मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये SIP विथ 500 ये बेस्ट रहेगा। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली दर मंथ, आपको कितना इन्वेस्ट करना है अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें। और सेक्टर बीट्स, ये आप अपने सेक्टर वाइज सेलेक्ट कर आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और ये CL म्यूचुअल फंड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा म्यूचुअल फंड दिखेगा, आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी फिल्ट ये शॉर्ट एरिया फिल्टर दिए, फिल्टर वाइज आप हाई रिस्क कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क हाई हो लो कितने स्टार मिले हो उसको ये सारी चीज़ें। जैसे कि AMC में आप आदित्य बिरला कर दीजिए, कैटेगरी में रेटिंग में मान लीजिए 5 पॉइंट रेटिंग हो, और रिस्क में मान लीजिए हाई रिस्क हो, तो हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे, ये आप देख लीजिए। और ये गोल्ड फंड्स
जैसे सोने का लेन देन उसी पे आपका, ये कंपनी गोल्ड फंड से रिलेटेड सोने एक्सचेंज करती है, उसी पे आपको रिटर्न मिलता है। और ये रिफर इंडिया ना, आप इसको व्हाट्सएप फेसबुक या अदर सोशल एप्स पे या आप रिफ़र कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। स्मार्ट सेव, ये आपका सेविंग ऑप्शन आ गया है। और सेव टैक्स, वही है, आप टैक्स सेव कर सकते हैं अपना। एक्सपर्ट, ये ग्रुप की तरफ से एक्सपर्ट रिकमेंड किया गया है। आप ग्रुप एप्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप एक्सपर्ट्स को फ़ोन करके, जैसे एक्सपर्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो ग्रुप नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप एक्सपर्ट से बात करके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और ये डेली न्यूज़ रिकमेंड किया जाता है। डेली न्यूज़ में आपको इंटरनेशनल मार्केट में या इंडिया के मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें नॉलेज आपको मिल जाता है। उस हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से कुछ वीडियो रिकमेंड किए गए हैं। जैसे कि हाउ टू स्टार्ट SIP ऑन ग्रो ऐप, मंथली दर मंथली कैसे इन्वेस्ट करें, या हाउ टू रिड्यूम और विद्रा, या आप अपने पैसे को विद्रा कैसे करें, हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, अपने म्यूचुअल फंड को रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीज़ें आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मेरा तो नेट अभी स्लो चल रहा है, तो प्ले होने में काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये आपका बाकी म्यूचुअल फंड्स है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करें जो बढ़िया आपको लगे। और ये आपका डैशबोर्ड है एक्सप्लोर, ये तो आपका ये सारी चीज़ें होगा इंटरफेस। और आप डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तब आप जिस म्यूचुअल फंड में या स्टॉक आप लिए रहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपका यहाँ पर शो होगा। जैसे कि मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ में इन्वेस्ट किया हुआ है, कल का इन्वेस्ट किया हुआ, तो 3000 मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे 2 रुपये ब्याज मिला है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर शो होगा। और ये यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएंगे, यू वाले ऑप्शन में, तो आपको पर्सनल डिटेल्स, जो आपने ग्रो ऐप में रजिस्टर करते वक्त आपने जो जो डाला डिटेल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। सही नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें। और बैंक एंड ऑटो पे डिटेल्स, आप अगर SIP करते हैं तो आप बैंक से ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल फंड आपका ट्रैक करने के लिए नोटिफिकेशन में आपका नोटिफिकेशन है, अपने ग्रो ऐप में आपका ग्रो ऐप जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, वो सारी चीज़ें। और माई आर्डर में ये आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे शो करेगा। और SIP ये आप चाहेंगे कोई खास हेल्प, प्राइसिंग सेटिंग में देख रहे थे, वही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्त, आपको वीडियो कैसा लगा, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।